الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل الأقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الهزن إذا شئت سهلا आमीन या रब्बल आलमीन हदीस नबवी के मुताबिक के ज़िमन में आज हम इंशाअल्लाह कुर्बानी की अहमियत और फजीलत के हवाले से कुछ रिवायात का मुताला करेंगे जैसे कि हम जानते हैं कि अल्लाह ताला का दीन हमेशा से एक ही रहा है और वो इस्लाम है आदम अली सलाम से ले कर सल्लल्लाहु सल्ला वसल्लम तक और रहती दुन दुनिया तक अल्लाह ने जो दीन नाजिल किया है जो दीन अपने बंदों के लिए मुक्र किया है वो इस्लाम है और जैसे कि हमें मालूम है कि इस दीन के दो हिस्से हैं एक हिस्सा वो है जिसको अहिकमा कहा जाता है कि जिसमें बुनियादी अकायद हैं ईमानियात हैं और बुनियादी अखलाकियात हैं और एक हिस्सा वो है जिसको अल्कताब कहा जाता है कि जिसमें शराय हैं शरीयते हैं कवानी हैं जिसमें कुछ रिचुअल्स हैं जिसके अंदर कुछ मोड्स ऑफ वर्शिप हैं कुछ मामलत की चीज़ें हैं तो अल तोमा के बारे में कहा जाता है कि वो हमेशा से एक ही रही है अल-किताब का जो पहलू है जिसमें शरीयत और क़ानून या जिसको बाद में फ़िक कहा जाता है उसमें कुछ ना कुछ फ़र्क रहा है मुख्तलिफ शरीयतों में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम जो अम्बिया का गुरु हैं ये हम अल्लाती भाई हैं अल्लाती भाई वो होते हैं कि जिनका बाप एक होता है और माएँ अलग अलग होती हैं तो कहा कि दीन वाहिद हमारा दीन एक है यानी यहाँ मुराद वही अलक्मा का एलिमेंट है यानी बुनियादी ईमानियात और बुनियादी अखदाकियात इन में सरे मुँह फ़र्क नहीं आया जो थोड़ी बहुत तब्दीली आई है वो अल-किताब अल में आई है शरीयत में आई है लेकिन शरीयत के हवाले से भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो सैदना आदम सलाम से लेकर अलैहि वसल्लम तक मुश्तरक रही हैं इसमें सबसे अहम चीज़ तो बंदगी है और बंदगी वैसे तो पूरी ज़िंदगी में अल्लाह की ग़ुलामी को कहते हैं लेकिन बंदगी का सबसे पहला इजहार होता है परस्तिश में कि इंसान अल्लाह के आगे सर झुकाता है अपनी गर्दन अल्लाह के आगे डाल देता है उसके लिए उसका नाम जपता है तो वो ये जो प्रस्तीश का जो एलिमेंट है ये बिल्कुल मुश्तरक रहा है इसी वजह से हम देखते हैं कि जिसको हम नमाज कहते हैं नमाज की कोई ना कोई सूरत इब्तदा से चली आ रही है इसी तरीके से जिसको आप अपना रब मानते हैं जिसको अपना खालिक व मालिक मानते हैं उसके लिए कुर्बानी देना उसके लिए अपना जान और मार लगाना और खपाना ये भी बिल्कुल इब्तदा ही से मशरू है यानी कोई ना कोई फ़ॉर्म ज़क़़त की जिसको हम कहते हैं वो भी रही है और कोई न कोई कुर्बानी का तस्वुर भी रहा है क़रान मीद ने कहा लिकुल उम्मन जालना मन सका हमने हर उम्मत के लिए कोई ना कोई इबादत या कुर्बानी का तरीका मुकर किया है लियस करस्सम आल ताकि अल्लाह नाम का ज़िक्र करे कुर्बानी आप देखते हैं कि जो सबसे पहली इबादत हमारे सामने कुरान मजीद में आती है सैदना आदम की औलाद में जिस इबादत का ज़िक्र हमें मिलता है वो कुर्बानी ही है क़ुर मजीद ने सदना आदम के दो बेटों का किस्सा बयान किया वतलम नबा अब नई आदम हक ए नबी इनको आदम के दो बेटों का किस्सा बयान कर दें हक के साथ इज़ कर्रबा क़ुरबानन जब उन दोनों ने एक कुर्बानी पेश की फतुकब्बिल मिन अहद वलम यु तकबल मिनल आखर तो उन आदम के दो बेटों में से एक की कुर्बानी कबूल कर ली गई और एक की कबूल नहीं की गई दो बेटे हाबील और काबिल तो हाबील ने जो है काबिल ने जो है वो कुछ ज़मीन वो काश्तकार थे तो काश्त ज़मीन की वो काश्त पेश की और जो हाबील थे वो जो है वो चरवाहे थे तो उन्होंने कोई भेड़ अल्लाह की जनाब में पेश की और उस वक्त जैसे कुर्बानी की कबूलियत भी बिल्कुल एम्परिकल हो जाती थी बिल्कुल जली होती थी यानी आसमान से आग आती थी और जिसकी कुर्बानी गोया मकबूल होती उसका उसकी अलामत ये होती कि आग आकर उस कुर्बानी को खा जाती या ले जाती तो मालूम हो जाता कि भाई किसकी कुर्बानी कबूल हुई है किसकी नहीं हुई है और यही मामला गनीमत के साथ भी होता था यानी जब पैगम्बरों के साथ मिलकर भी लोग जो है वो जो है किताल करते थे और जो गनीमत आती थी वो गनीमत भी अल्लाह के हुजूर में पेश कर दी जाती थी और आसमान से आग आकर उसको ले जाती थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जिन चीज़ों में अल्लाह तुझे ख़ासियत अता की है उनमें से ये भी है कि अल्लाह तै ने हमारी कमज़ोरी हमारी कमी हमारा ज़ोफ, हमारी हाजत उसकी तरफ निगाह की और फिर गोया ये जो नॉर्म था ये हमसे ख़त्म कर दिया और हमारे लिए लनल गनाइम हमारे लिए गनीमतों को हलाल कर दिया गया वरना उससे पहले गनीमतें भी गोया आसमान से आग आकर ले जाती थी लेकिन कहा कि हम उनको बदल सकते हैं इस्तेमाल कर सकते हैं तो आसमान से आग आई और जो है वो हाबील की कुर्बानी कबूल हो गई और काबिल की नहीं हुई और वो हसद का शिकार हो गया और उसने जो है वो कहा कि मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा तो उस मौके पर ये बात कही गई कि इन नमायत मुत्तकीन अल्लाह ताला जो कुर्बानी कबूल करते हैं वो मुत्तकीन की कुर्बानी कबूल करते हैं जैसे मशहूर आयत आप बारह सुनते हैं कि लई यना वला दिमा उहाा वला की ना लकवा मिनकुम ये जो तुम कुर्बानी करते हो जानवरों की न इसका खून अल्लाह तक पहुँचता है न इसका गोश्त अल्लाह तक पहुँचता है खून जो है वो ज़मीन में गिर जाता है जज्ब हो जाता है और गोश्त तुम बरत लेते हो इस्तेमाल कर लेते हो यानी हमारे दीन में उस तरह की कोई क्लर्जी नहीं है कोई परोहत नहीं है कि जो अल्लाह के नुमाइंदे और अवतार बन के रहें और उनको भेंट पेश की जाए और वो उसको इस्तेमाल करें तो जो कुर्बानी अल्लाह के लिए की जाती है उसके अल्टीमेट बेनिफिशियरी कौन होते हैं लोग होते हैं ना और अगर कोई शख्स ईद अजहा पर भी कोई कुर्बानी करे और सारा गोश्त खुद ही कंज्यूम कर ले खुद ही इस्तेमाल कर ले तो उसकी कुर्बानी में कोई फ़र्क नहीं आएगा और अगर वो सारा दे दे अल्लाह की राह में तब भी ठीक है अल्लाह के नबी ने, ने फ़रमाया कुलू व इमू के जो कुर्बानी तुम करते हो यानी एक साल था जब कहत की सूरत हाल थी तो रसूल वसम ने फरमाया कि तीन दिन के बाद किसी के घर में गोश्त की एक बोटी भी बाकी न बचे जो भी तुम कुर्बानी करो तुम उसको तकसीम कर दो अगले साल साहबा हाजिर हुए अल्लाह के नबी हम कुछ गोश्त बचा लिया करते थे सुखा के कुछ चर्बी जो है वो रख लेते थे उसको बरतते रहते थे पूरे साल में तो अल्लाह के नबी ने कहा कि वो तो एक एमरजेंसी सूरत हाल थी वो तो एक कहत का मामला था इस वजह से मैंने मना किया था कहा कुलू व इमू के खुद भी खाओ दूसरों को भी खिलाओ और कुछ जखीरा भी कर लो तो हमारे यहाँ आमतौर पर इस हदीस की बुनियाद पर लोग ख्याल करते हैं कि जैसे तीन हिस्से करने चाहिए एक ख़ुद इस्तेमाल करें एक अजीज़ों रिश्तेदारों को खिलाएं और एक हिस्सा तकसीम कर दें लेकिन मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि अगर सारा भी ख़ुद इस्तेमाल कर लें तब भी ठीक है और सारा तकसीम कर लें तब भी ठीक है लेकिन चाहे ख़ुद इस्तेमाल करें चाहे तकसीम कर दें तो कौन बरत रहा है उसको इंसान ही बरत रहे हैं ना यानी लोग ही है जिनके काम वो आ रहा है तो कहा कि अल्लाह तक ना तो खून पहुँचता है ना गोश्त पहुँचता है वाला की यनालहु तकवा मिनकुम जो तकवा है जो खुदा खौफी है वह पहुँचती है तो एक बात तो मैंने ये तवज्जो दिलाई आपसे कि जो सबसे इब्तदाई इबादत भी हमें मिलती है वो कुर्बानी है इसका मतलब ये है कि कुर्बानी की गैर मामूली अहमियत है और कुर्बानी असल में क्या है जानवर की कुर्बानी असल में एक अलामत है एक सिंबल है अल्लाह ते अपनी जान कुर्बान करने का मशहूर आयत है आपने बारह सुनी होगी कुल अन सलाती व नुसुकी व महियाया व ममाती लाही रबालमीन या नबी कह दीजिए कि बेशक मेरी नमाज और मेरी कुर्बानी और मेरा जीना और मेरा मरना अल्लाह के लिए है जो तमाम जहानों का परवरदिगार है तो सलाती व नुसुकी व महियाया व ममाती नमाज अल्लाह ताला के लिए जीने की अलामत है यानी इंसान अगर जिए तो उसके जीने की वजह क्या है उसका जवाब क्या है कि वो अल्लाह की याद करे और नमाज आपको मालूम है किस लिए अकीम सला ज़िक्री नमाज कायम करो मेरी याद के लिए और कुर्बानी किस बात की अलामत है अल्लाह ताला के लिए जान देने की तो जीना और मरना यानी नमाज और कुर्बानी वो अल्लाह के लिए है जो तमाम जहानों का परवरदिगार है और नबी अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया हज के मामले में फ़रमाया कि ये जो तुम तवाफ़ करते हो काबे का और ये जो रमी करते हो और ये जो सई करते हो बही सफ़ा मरवा ये किस लिए है लेकामती लि अल्लाह की याद को कायम करने के लिए तो हर इबादत का मकसूद कस्बा क्या है उसका इंतहाई मकसूद क्या है अल्टीमेट उसका मकसद क्या है अल्लाह की याद और ये जो कुर्बानी के जानवर हैं इनको कहा गया है कि ये शादुल्ला हैं वलबुद ना जालना हकुम मिन शादिल्ला लकुम फ़ी खैर और ये जो तुम ऊँट कुर्बान करते हो कहा कि ये अल्लाह के शायर में से हैं और इसमें तुम्हारे लिए बड़ा खैर है तो शहीदा किसे कहते हैं हर वो चीज़ जिसको देख कर अल्लाह का शुरू पैदा हो अल्लाह की याद दहानी पैदा हो हज़रत शाह वली साहब देलवी रमत आ चार बड़े शार हैं फरमाया कि किताबल रसूलुल्लाह और काबतुल्लाह और सलात यानी एक तो अल्लाह की किताब कुरान मजीद अलैहि वसल्लम काबतुल्लाह और नमाज नमाज गोया सबसे बड़ा शाराह है और फिर कुर्बानी के जानवरों को कहा गया है कि ये गोया एक श है और जैसे कि मैंने अर्ज़ किया है ना कि कुर्बानी का असल मकसूद क्या है अल्लाह के लिए जान देना उसका एक सिंबॉलिक इजहार है इसीलिए आम तौर पर चूँकि हमारे यहाँ हर चीज़ की बहुत ज़्यादा यूटिलिटेरियन तोजीह की जो है लोग कोशिश करते हैं इफ़ादी किस्म की तोजीह कि देखिए कुर्बानी का बड़ा फ़ायदा होता है ग़रीब लोग होते हैं पूरा साल गोश्त नहीं खा पाते उनके लिए गोश्त खाने का बंदोबस्त हो जाता है फिर ये है कि जी एक बड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है इतने अरब रुपए जो है वो सर्कुलेट होते हैं माशरे में ये बातें ठीक है मतलब किसी ऐसे आदमी को जिसके लिए इस तरह के दलाइल के बग़ैर बात समझाना जो है वो फ़ायदा मंद ना हो उसके लिए तो ये बात ठीक है लेकिन असलन ये बुनियादें ठीक नहीं हैं इनमें से हर चीज़ को काटा जा सकता है कि भाई गरीबों को खाना खिलाना है तो आप खाना पकवा के तकसीम कर दें एक्टिविटी करनी है तो उसके और बड़े तरीके हैं बल्कि आपको मालूम है आमतौर तो पर जब बसंत वगैरह मनाई जाती है तो बसंत के लिए भी दलील ये दी जाती है और फिर उस दलील को करने के लिए कि भाई बसंत में को तो आप बहुत पसंद करते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है और कुर्बानी पे आप तनकीद करते हैं तो ये इल्ज़ामी जवाब तो हो सकते हैं लेकिन असल में ये मकसूद नहीं है जिस तरह मैंने अर्ज़ किया है सारा गोश्त आप ख़ुद खा लें किसी गरीब को एक बोटी न दें तब भी जो है कुरबानी में कोई फ़र्क नहीं आएगा तो असल में क़ुरानी क्या है वो अलामत है और जैसे नबी अक्रम सल्ह वसलम से पूछा गया कि यार रसूल्ला मा हाजिल अज़ाही अल्लाह के रसूल ये कुर्बानियाँ क्या हैं जो हम करते हैं पर माया सुन्नत अबी कुम इब्राहीम ये तुम्हारे बाप इब्राहीम की सुन्नत है उसवा इब्राहिमी कुरान मजीद में दो जगह पर सैदना इब्राहीम को उसवा करार दिया है असल में हमारे लिए उसवा कौन है महमदुलरसूल सल्ह लकड़ कान लकुम फ़ी रसूल अल्ला उसवत लेकिन एक ख़ास पहलू से कहा गया सूरह मुजादला में लेकिन लगत कान फ़ी इब्राहीम कि तुम्हारे लिए इब्राहिम में भी क्या है उसवतन हसना बहुत ही बेहतरीन नमूना है सदना इब्राहीम में एक नमूना तो इस पहलू से है ना कि जिसको हम कहते हैं अलला वलबरा अल्लाह के लिए मोहब्बत अल्लाह के लिए बुग्स और ख़ास तौर तो पर जैसे उन्होंने बरात का इज़हार किया माँ सिल्ला से और फिर उनकी पूरी ज़िंदगी इबारत है अल्लाह के लिए इसार करना अल्लाह के लिए कुर्बानी करना यानी अपने वाले को छोड़ दिया अपने वतन को छोड़ दिया वो जो बादशाह के सामने खड़े हो गए ठीक है और इसी तरीके से जो है वो बीवी बच्चों को बे आबो गया वादी में छोड़ दिया और सबसे बड़ी आजमाइश वो है कि जब वो कहते हैं कि इन्नी अराफिल मनामी अन्य अजबाहू का फनजुर माजा तरा कहा कि अ बच्चे मैं देखता हूँ कि मैं ख़्वाब में देखता हूँ कि मैं तुम्हें बाह कर रहा हूँ तो तुम बताओ तुम्हारी क्या राय है तो क्या कहा बेटे ने कि या अब तफ़ालमा अब्बा जान जो आपको हुक्म दिया गया है वो कर गुजरी है सचुद्द्दनी इन श्लाबरीन इनशा अगर अल्लाह ने चाहा तो आप यकीन मुझे सब्र करने वालों में सबित कदम रहने वालों में पाएंगे तो ये सैदना इब्राहीम का उसवा है और वो उसवा यही है कि अल्लाह के लिए हर माँ सिवा को छोड़ने के लिए इंसान तैयार हो जाए और अल्लाह की तरफ यकसू हो जाए इन्नी वजह तू वजहीफ़त समावती वल औरफा और अल्लाह के नबी ने फरमाया अब जब आपसे पूछा गया ना कि मालना मिनहा के नबी हमारे लिए इस कुर्बानी में क्या है कहा बिकलिशन हसना कहा कि हर कुर्बानी के हर बाल के इवज़ एक नेकी है कलू या रसूल फसूफ़ कहा कि अगर ऊन हो जानवरों पर जैसे भेड़ों पे होती है कहा कि बिकुल्ली शाह रतमिन हसना कहा कि उस ऊन के भी एक एक रेशे पर एक एक बाल पर नेकी है और जो है अल्लाह के नबी नबीम ने फरमाया कि ये कुर्बानी जिसके लिए भी मकदरत हो तो उसको ज़रूर करनी चाहिए और फरमाया कि मन कान ला जिसके पास वसत हो जिसके पास कशाइश हो जिसके पास गुंजाइश हो वलम यु और फिर वो कुर्बानी न करे फला यक रबन न मुसलाना तो फिर वो हमारे मुसल्ले के करीब भी ना फटके यानी फिर वो नमाज़ पढ़ने की भी जहमत न करे और जैसे कि आपको मालूम है कि ईद अज़हा के दिन अल्लाह के नबी ने फ़रमाया है कि ईद अज़हा के दिन अल्लाह को कोई अमल ख़ून बहाने से ज़्यादा मरगूब नहीं है और तरतीब वही है जो सूरह कौसर में बयान हुई है फसल रबी का वन हर आप अपने रब के लिए नमाज पढ़िए और फिर कुर्बानी कीजिए इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जिस शख्स ने आपने फरमाया कि हदलिया कहा कि तुम में से कोई शख्स जो है वो नमाज पढ़ने से पहले िबाह न करे कुर्बानी न करे और फरमाया कि मनज़ा कबल सलात फ़ैन नमा नफसी ही जिसने नमाज़ से पहले क़ुरानी कर दी तो उसने अपने लिए कर दी फिर उसका गोश्त इस्तेमाल कर ले और सदका हो जाएगा खैरत हो जाएगा वो क़ुरबानी नहीं होगी वह मन बाद सलात फ़क़ तम मनसुख हो वह असाब सुन्नतमसलिम और जिसने नमाज के बाद कुर्बानी की उसकी क़ुरबानी मुकम्मल हो गई और उसने मुसलमानों की सुन्नत को पूरा कर लिया तो ये जो ईद ईदी की कुर्बानी है इसकी गैर मामूली फ़जीलत है और नबी याकम सलीलम ने इसकी तरगीब दिलाई है कि ये कुर्बानी भी गोया खुद इंसान करे तो ये अच्छी बात है बल्कि आपने अपनी साहिबजादी सैदा फ़ातिमा रजी अल्लाह से कहा कूमी इला उजयतिक फ़शदीहा तो कहा कि जाओ देखो बल्कि कहा कि भाई अपनी इस कुर्बानी को देखो इसका मुशाह करो फ़िन न हो यक्ष लक इन द अल कतर तमिन दमिहा कुल्लू रमबिन अमलती ही अमलती ही कहा कि इसके खून के पहले कतरे के साथ तुम्हारे तमाम सगीरा गुनाह जो हैं वो माफ़ कर दिए जाएंगे और कहा कि ये ये कहो जब क़ुरबानी का वक्त आए कि इन सलाती व नसुखी व महियाया व ममाती ला रबालमीन के बेशक मेरी नमाज व मेरी क़ुरबानी और मेरा जीना और मरना अल्लाह के लिए है लाशर्क लहू उसका कोई शरीक नहीं है व बिजाल का उमिर तू और मुझे इसी का हुक्म दिया गया है वह अव्वलमसलम और मैं सबसे पहले फर्मा बरदारों में से हूँ तो कुर्बानी करते वक्त गोया ये आयत पढ़ना भी गोया पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशरू किया है और इससे गोया वो बात वाज हो जाती है कि कुर्बानी का असल मकसूद जो है वो अल्लाह ताला के लिए जान तक कुर्बान करने के लिए तैयार रहने का अज़म है उसका इरादा है अल्लाह तब को इसकी तौफ़ी क़ा फ़रमाएं